सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल दैट इज लाइफ इंस्पायर्स एंड आई एम भुवन नेथानी। आज का एपिसोड बहुत बहुत स्पेशल है। अभी भी राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर आई एम गोइंग टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब और नॉट, बट दिस इज फॉर माई ओन सेक। आई हैड नो प्लान्स टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। द रीजन इज बिकॉज टुडे इज माई लास्ट डेट टू माई ऑर्गेनाइजेशन। आई नेवर डिस्कस्ड विद एनीवन दैट यू नो वेयर आई वर्क एंड व्हाट डू आई डू। सो आई थिंक टुडे इज द राइट टाइम टू टेल यू दैट I am associated with one of the universities in Dehradun, that is UPES, University of Petroleum and Energy Studies, and I am handling one of the verticals of student welfare here. So since today is my last day, it is a very mixed feeling, of being nostalgic, you know, taking all these experience with me and taking it further. Lekin jaisa ki kehte hain ki कहीं बढ़ने के लिए कहीं से जाना बहुत ज़रूरी है। सो ये डिसीजन थोड़ा टफ था। आई थिंक अगर आप मुझसे एक हफ्ते पहले बात करते या दो हफ्ते पहले बात करते, देर वर नो प्लान्स राइट टू मूव आउट ऑफ देहरादून, बट सडनली यू नो दी होल वर्ल्ड, कहते हैं ना दी वर्ल्ड कॉन्स्पायर्स एवरीथिंग फॉर यू। तो आई थिंक दैट्स द सेम थिंग विच हैपन विद मी। सो आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। मैंने कभी आपको अपने ऑफिस का रास्ता भी नहीं दिखाया। एंड लेट मी टेल यू दैट अ पार्ट ऑफ बींग वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन इंडिया, UPES इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्रेल्स। आई मीन यू नो जो यहाँ जाने का रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत है। सो दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये सामने आपको जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये जब आप एक्सट्रीम सर्दियों में जब स्नोफॉल होता है उस पर आएंगे तो ये सारे स्नो कैप्ड होते हैं। तो हिमालयन रेंजेस आर डिफरेंट, बट ये जितने शिवालिक रेंजेस हैं, इतनी पास बर्फ पड़े हुए देखना इज वेरी रेयर। एंड इमेजिन आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और उसकी ग्लास विंडो से आपको ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं। तो देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। एक जिम कॉर्बेट का फील भी है जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं। आज ये सब चीजें बड़ी डिफरेंट लग रही है। From tomorrow onwards, I'll not be at this place and it gives me a goosebumps, it gives me a very different, you know, emotions. Campus. So this is our. So we basically have two campuses. I am into Kandoli. Very occasionally I go to Bidoli as well. It's quite frequent. ये हमारे guard भी हैं. This is what you see in front of me is a food court. And all these four buildings further, tower 1, 2, 3, 4, are the hostel. And this is an administrative building and school of law. So I'll show you around. एक बार नीचे उतरते हैं गाड़ी से और आपको सब डिटेल में दिखाता हूँ. So we are finally at a campus and I think it's a time for me to show you around that what all we have in the campus. We'll start with the office and then we'll go around, right? Sab dikhayenge dheere dheere. To chaliye office ke andar ghuste hain aur dikhate hain aapko. This is basically our corridor. This is our library which is quite huge and finally this is our office. I think abhi koi pahuncha bhi nahi hai. I'm the first person who have reached office. So this is our Kandoli office. This is where we sit. And we also have another room. It is the last day at UP. आज बोल के इतना सारा जो है खाना यहाँ पे लगा दिया गया है। This is through team. तो सबका खाना मैं खाऊंगा। रात की जो पार्टी है उसमें ये सारा खाना ये। मंचूरियन तो रखो, मंचूरियन रखो, मंचूरियन और चटनी रखो। So this is not out of affection, but ये पूरी चाल है लोगों की। रखे ये सब मैं खाऊंगा और ये रात को enjoy करें। ये देख रहे हैं आप लोग। बाकी सब लोग भूखे बैठे थे कि बिना बिना जैसे डब्बे के सारे डब्बे हमारे पास हैं। बाहुबली खाना, बाहुबली। सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी, दैट्स UPES कंडोली कैंपस। सो लेट मी गिव यू अ टूर कहाँ किन जगहों से मेरा क्या अटैचमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और लाइन से आपको सब कुछ दिखाता हूँ यार आगे बढ़ के। सो एज वील गो फॉरवर्ड आई विल शो यू द प्लेसेस अराउंड। तो अगर आप ये मेरे सामने ये देख रहे हो तो दिस इज अ सिंथेटिक कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ पे ये वॉलीबॉल कोर्ट है। जब मैं यहाँ पे नया 2019 में आया था तो यार ये कोर्ट्स यहाँ पे नहीं होते थे। इट वाज ऑल मडी फील्ड। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे
वाओ वेनसडेज और बहुत सारे इवेंट्स करवाए, काइट फ्लाइंग इवेंट्स, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ। 3 साल हो गए लेकिन बिल्डिंग्स बदल गई, चीज़ें बदल गई, लेकिन आई थिंक देर इज़ वन थिंग विच हैज़ नॉट चेंज, आर द पीपल अराउंड। बच्चे वही हैं, स्टूडेंट्स वही हैं, एक्टिविटीज़ भी सेम है। सो दिस पर्टिकुलर प्लेस हैव विटनेस्ड नॉट मेनी इवेंट्स आर। दिस बिल्डिंग विच यू जस्ट सी बिहाइंड मी, दिस इज माय ओल्ड ऑफिस, आई शो यू अराउंड एक बार हम अंदर जाएंगे, लेकिन पहले जिम चलते हैं, जिम देखते हैं जहाँ से मैंने अपनी एक फिटनेस जर्नी भी कंटिन्यू करी थी, तो उसके बाद जो है ऑफिस में दोबारा आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मल्टी एक्टिविटी सेंटर विच इज़ मैक। सो इन 3 सालों में बहुत सारा लोहा उठाया है यहाँ पे, बहुत सारा टेबल टेनिस खेला है। तो आई जस्ट शो यू दिस प्लेस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से देखते हैं। एंड हाँ, द मैक इज़ क्लोज आई गेस, बट एट लीस्ट यू नो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। आई थिंक विल रिकॉर्ड इट लेटर एंड आई शो इट टू यू लेटर। दिस इज वॉट यू सी इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द फील्ड। दिस इज रिलेटिवली अ स्मॉलर फील्ड, वी हैव अ बिगर फील्ड इन बिदोली, but in this place also like you know you can play cricket or six a side football bhi chal jata hai. Main aapko thoda sa orientation de deta hu. This building what you see in front of me is school of law. The other building which is just opposite to this is school of business, and those two buildings which are like just behind them are school of modern India and school of liberal studies. This is what you see in front of me is school of business. Yahi meri जन्म भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि सब है, क्योंकि आई हैव सीन माई अर्ली डेज इन दिस बिल्डिंग इटसेल्फ। आई शो यू अराउंड माई ओल्ड ऑफिस वेयर आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज, टन्स ऑफ मेमोरीज विच आर देयर। लेट्स गो देयर एंड सी। ट्रूली सो दिस इज द प्लेस विच ट्रूली बिलोंग्स टू माई हार्ट एंड दिस इज माई ओल्ड ऑफिस। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा ऑफिस हटा लिया, पुराना वाला, बहुत सारी मेमरीज यहाँ पे थी, लेकिन अब क्या करूँ, ये लोग जो है सब लूट के लेकर चुके। क्या चल, बस। सो दिस इज वेयर आई स्पेंड 3 years ऑफ माई लाइफ एट UPS, एंड दिस इज द ऑफिस विच हैज विटनेस एटलीस्ट अबाउट 1500 ऑफ स्टूडेंट्स, वेयर आई हैव गिवन देम सॉल्यूशंस, वी क्राइड टुगेदर, वी लव टुगेदर, मेड एवरीथिंग पॉसिबल। टैलेंट शोज हुए थे और पता नहीं कितने विटनेस किए हमने। आज इट बिकम अ लॉन, यहाँ पे थोड़ा शांति रहती है बिकॉज वी हैव अवर ओपन एम्पी थिएटर अहेड, अब सारे प्रोग्राम्स वहाँ होते हैं, बट इसको कभी मैं नहीं भूल सकता। दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज गिवन मी अ प्लेटफॉर्म एट UPS। सो विद दिस नोट लेट्स क्लोज UPS चैप्टर हियर एंड आई विल मीट यू इन द फेयरवेल पार्टी इन द इवनिंग विच इज केप्ट बाय माय टीम। अवन, डू यू वांट टू से एनीथिंग? I'll miss you, although like I know that you are not leaving me, so I'm that happy. But yeah, this UPS, you have given a lot of years and your own experiences, and I think so that what made you like, I don't know, I don't have any words right. ये बारे में समझेंगे मोहित से कि चाय एक जादुई दवा है जो किसी भी मुर्दे में जान डाल देती है। जब ये स्टील के ग्लास के साथ होती है तो इसका टेस्ट एकदम पहाड़ी चाय का मजा ही अलग है। Cheers. मुझे एक आगे कि इसमें हेलमेट है, आई एम ओके विद इट, ओके, लेकिन लेट्स सी नाउ, आई विल लेट मी कम हियर एंड हम लोग एक सेकंड सर से बटपा पकड़ के आगे तो हम सब छिप जाते हैं। अब सिर्फ डिपर से ओवर खोलेंगे। हां भगवान सब खोलो, एक सेकंड स्टे पकड़ के खोलो, ऐसा कर दो बोला सा ओवर हाई प्रेशर प्रोफेशनल वाली बात है। इसके इसके अंदर वो 70 जीएसएम के पेपर तो नहीं लगे, बाकी सब पीछे हो जाओ, आप सब पीछे हो जाओ। मुझे इसको लेके अभी भी कुछ बगल में था, मैं जब तक खुला नहीं था तब तक मुझे नकल गार्ड भी लग रहे थे, लेकिन ये शायद मेरे इंटरसेप्टर के आगे कब हुआ है। ठीक है, दिस इज अ नकल गार्ड एंड एनीथिंग रिलेटेड टू रॉयल एनफील्ड वो मेरे हमेशा दिल के क्लोज होता है। ठीक है, कुछ भी एक नट भी मिलता मुझे रॉयल एनफील्ड का, पहले ये तो बहुत कुछ मिल गया।
गया, फाइनली डन विद द डे, फेयरवेल भी हो गई, ऑफिस से आना भी हो गया और पार्टी भी हो गई. इट वाज अ वंडरफुल डे ऑल टुगेदर एंड आई विल चेरिश इट फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ. बट इट्स टू लेट नाउ, 11:30 बज चुके हैं एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. सो जाते हैं, विल मीट यू वेरी सून. टिल देन साइन ऑफ फॉर अ डे और बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. और हाँ, एक बार जरूर, अगर आपको ये कंटेंट सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए. दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज मिसिंग नाउ. कंटेंट अच्छा बन रहा है, मुझे पता है, हर जगह से तारीफ मिल रही है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें. बाय बाय, टेक केयर.